टिकट कटे हैं, लिस्ट जारी हुई है, लेकिन मंशा क्या है इसके पीछे, बताएंगे अंदर की बात हमारी सहयोगी अर्पिता। शुक्रिया सईद जी। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से ये पहले लिस्ट काफी मंथन के बाद 3 घंटे मंथन चला, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह इस मीटिंग इस बैठक में थे और उसके बाद ये निर्णय लिया गया। सामने से थोड़ा सा क्या कुल मिलाकर जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं कि पीएम मोदी की ये 25 से ज्यादा रैलियां और रोड शो है। अब किस तरीके से गुजरात के लिए बीजेपी की रणनीति रही है वो हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा नंबर 3 पे नामांकन पूरा होते ही मोदी का चुनावी अभियान जो है वो एक तरीके से कहिए तो शुरू हो जाएगा। तो गुजरात के चुनावों के लिए किस तरीके से बीजेपी ने रणनीति बनाई, बहुत सारे नेता पहले ही जब लिस्ट सामने आती उससे पहले ही ऐलान कर दिया कि वो मैदान में नहीं है, वो चुनाव लड़ने नहीं जा रहे, जिसको लेकर भी सवाल उठे क्या इनको कहा गया, क्योंकि बीजेपी की एक रणनीति ये भी दिख रही थी कि 75+ लोगों यानी 75 साल से उम्र जिनकी ज्यादा है उनको मौका ना देके ज्यादा युवा चेहरों पर भरोसा रखा जाए। 3 से 4 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर एक रैली भी करने की आगे योजना यानी पूरा रोड मैप गुजरात के लिहाज से बीजेपी ने तैयार कर लिया है। पहले लिस्ट भी सामने आ गई है और अब सिर्फ हुंकार है। आ गुजरात मैं बना बूझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात विजय का ये नारा दिया था। अब गुजरात के लिए बीजेपी की चुनावी रणनीति का खाका तैयार हो गया है। बीजेपी की रणनीति नंबर 1, बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही लड़ेगी चुनाव, यानी मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी किसी का भी चेहरा सामने नहीं रखेगी। ये कोई नई बात नहीं है, पिछले 2 दशक से बीजेपी गुजरात का चुनाव मोदी के चेहरे पर ही लड़ रही है और उसे जीत भी मिली है, लिहाजा 2022 में भी वो मोदी के चेहरे का फार्मूला अपनाने जा रही है। सवाल ये है कि मौजूद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का क्या होगा। तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के चुनाव जीतने के बाद भूपेंद्र पटेल ही मुख्यमंत्री होंगे। मोदी की 25 से अधिक रैलियां और रोड शो, चूंकि मोदी ही चेहरा है और उनके हाथों में ही चुनाव प्रचार की कमान है, लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में 25 से भी अधिक रैलियां और रोड शो करेंगे। 3 नवंबर को चुनाव आयोग ने गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को वोट पड़ेंगे और हिमाचल प्रदेश के साथ ही 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। बीजेपी दावा कर रही है कि वो इस बार पहले से कहीं ज्यादा सीटों पर चुनाव जीतेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है कि मैं मेरा ही रिकॉर्ड तोड़ने के लिए लड़ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनकी जो बात है, उनका जो इरादा है वो पूरा करेंगे। सबसे ज्यादा सीट, सबसे ज्यादा लीड उसके साथ जीतेंगे। बीजेपी ने चुनावों की घोषणा के पहले ही पीएम मोदी ने गुजरात के दौरे किए थे। वहीं चुनाव नतीजे का ऐलान किए जाने के बाद उन्होंने जहां वलसाड में जनसभा को संबोधित किया, वहीं भावनगर में सामूहिक विवाह समारोह पापानी परी लग्नोत्सव 2022 में शामिल हुए। यहां 552 शादियां कराई। गुजरात के जन जन से जुड़ने का ये मिशन अब और तेज होने वाला है। 17 नवंबर से पीएम मोदी का चुनावी अभियान। 17 नवंबर को नामांकन पूरा होने के साथ ही पीएम मोदी का चुनावी अभियान शुरू हो जाएगा। इस दौरान पीएम मोदी 7 से 8 दिन तक गुजरात में रहेंगे। 3 से 4 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर एक रैली होगी। इस तरह पीएम मोदी 150 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेंगे। वहीं दूसरे केंद्रीय नेता भी गुजरात में जमकर प्रचार करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उतरेंगे मैदान में। पार्टी अध्यक्ष होने के नाते गुजरात में बीजेपी को एक बार फिर जीत दिलाने के लिए जेपी नड्डा चुनाव प्रचार में हुंकार भरेंगे। योगी आदित्यनाथ करेंगे चुनाव प्रचार। बीजेपी अपने स्टार प्रचारक और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी चुनाव प्रचार में उतारने जा रही है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार कर चुके योगी आदित्यनाथ अब गुजरात का रुख करेंगे।
वहीं बीजेपी के प्रचार को धार देने के लिए गुजरात के दिग्गज नेता और गृह मंत्री अमित शाह अच्छा खासा समय गुजरात में बिताएंगे। बीजेपी को उम्मीद है कि उसकी ये रणनीति एक बार फिर उसे अपने गढ़ गुजरात में जीत दिलाएगी। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।